अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लो बजट कंट्री, ऐसे कंट्री जो कि सेंशन के अंदर आते हैं और आपके बजट के अंदर भी आते हैं ना, वहाँ पे अपना इजीली एडमिशन करवा के अपना वीजा हासिल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टडी इन रोमानिया के हवाले से। जैसे कि आप सबको पता है कि रोमानिया रिसेंटली ही एडिट हो चुका है सेंशन के अंदर। अब ये सेंशन कंट्रीज का पार्ट है। अगर आप यहाँ पे जाते हो तो आप बाकी 31 कंट्रीज के अंदर विदाउट वीजा ट्रेवल कर सकते हो। इस वीडियो में हम बारी बारी बात करेंगे कंप्लीट डिटेल के साथ कि यहाँ पे आप अपना स्टडी वीजा कैसे हासिल कर सकते हैं, बजट कितना आएगा, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो वीडियो को पूरा लाजमी देखिएगा और नीचे नंबर आ रहा है, अगर कोई भी क्लाइंट इंटरेस्टेड हो तो नंबर पर कॉन्टेक्ट करके हमारे थ्रू प्रोसेस भी करवा सकते हैं। देखिए, यहाँ पे बैचलर्स में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले तो आपको आईएलटीएस चाहिए। आईएलटीएस और पीटी दोनों इसमें आपके जो चल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जो आपको विदाउट आईएलटीएस भी एडमिशन दे देती हैं। वो यहाँ तो आपसे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर मांगती हैं, जो कि उनकी रिक्वायरमेंट में है कि कम अज कम भी आपने 4 साल जो है ना वो इंग्लिश में स्टडीज की होनी चाहिए, जो कि मास्टर्स वालों के लिए गुड न्यूज है। बैचलर्स वालों के लिए ये है कि जारी से बात उन्होंने 2 साल पढ़ा होता है इंग्लिश में, तो उनके लिए एक टेस्ट, इंग्लिश लैंग्वेज एक टेस्ट भी लेते हैं। अगर वो आप टेस्ट पास कर लेते तो फिर भी आपका एडमिशन हो जाता है, लेकिन ये चंद यूनिवर्सिटीज में है। जो ज्यादातर यूनिवर्सिटीज है वो आर्ट्स और पीटी रिक्वायर करती हैं। माइल्स की हम बात कर ले तो यहाँ पे आपको बैचलर्स में एडमिशन लेने के लिए ओवरऑल 5.5 नॉट लेस देन 5 रिक्वायर्ड है। इसके अलावा पीटी अगर बात कर लें तो पीटी इधर में आपका जो है ना मिनिमम 40-36 और ओवरऑल आपका तकरीबन 43-45 ये भी चल जाते हैं। तो अब बैचलर्स में हम बात कर लें कि आपकी फीसिस कितनी है। देखिए, यहाँ पे आपकी जो फीसिस है वो 2000 यूरो से स्टार्ट होती है एंड ये जा सकती है 3500 यूरो और 4000 यूरो तक, जो कि काफी लो बजट में आ जाता है। और यहाँ पे अगर मेडिकल की फील्ड में जाते हो तो मेडिकल की फील्ड आपके लिए काफी यहाँ पे एक्सपेंसिव पड़ जाती है, वो भी अराउंड आपको 6 से 8 हजार यूरो पर ईयर यहाँ पे कोर्स कर जाती है। तो ये रिक्वायरमेंट होगी हमारी बैचलर्स की फीसिस और आर्ट्स वगैरह की। अब हम बात कर लेते हैं मास्टर्स में। मास्टर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको 6.5 आर्ट्स में ओवरऑल नॉट लेस देन 5.5 और पीटी के अंदर आपको जो है ना 58 ओवरऑल नॉट लेस देन 50 या फिर ओवरऑल 50 नॉट लेस देन 42 ये भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। और मास्टर्स वालों के लिए यहाँ पे काफी ज्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं विदाउट आर्ट्स। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर के ऊपर भी आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाता है और इसके अलावा आपका इंटरव्यू कुछ यूनिवर्सिटीज लेती हैं उसके भी यहाँ पे आपका एडमिशन हो जाता है। बैंक स्टेटमेंट की बात कर ले तो देखिए, बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड है कम अज कम भी कोई 3 मिलियन की, और यूरोप जितने भी कंट्रीज हैं यहाँ पे आपकी जो स्टेटमेंट है ये मिनिमम 3 महीने पुरानी मांगते हैं कि आपके अगर बैंक स्टेटमेंट 3 माह पुरानी है तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो 3 माह की आपको स्टेटमेंट चाहिए, 30 लाख बजट आपका टोटल जो बैचलर्स के लिए आएगा वो अराउंड आपकी फीस होगी 2000 से लेके, कुछ यूनिवर्सिटी की 1500 यूरो भी होती है, तो 1500 यूरो से लेके 3500 यूरो 4000 यूरो तक आपकी फीस हो सकती है। आपका टोटल जो बजट यहाँ पे चाहिए होगा वो 12 से 20 लाख रुपए आपका बैचलर्स के लिए, और मास्टर्स में आपका तकरीबन 15 से 25 लाख तक जा सकता है। तो इनके एडमिशन अभी ओपन है, तकरीबन ये जून और जुलाई तक ओपन रहेंगे, सितंबर और कुछ यूनिवर्सिटीज अक्टूबर इनटेक भी आपको जो है ना प्रोवाइड करनी है। तो डॉक्यूमेंट भी टेस्टेशन की आपको यहाँ पे लाजमी जरूरत है। इसमें आपको बैचलर्स और इंटर इनकी डिग्रीज को पहले रेलिवेंट बोर्ड देन आईबीसीसी और मुफा से टेस्टेशन करवानी होगी, और इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज आपको ये भी कहती हैं कि आप रोमानिया कॉन्सुलेट से भी टेस्टेशन करवाएं, ये कुछ यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो मास्टर्स में अगर हम बात कर लें तो मास्टर्स के लिए आपको वही आपकी HSC और इसके अलावा ग्रेजुएशन डिग्री भी जो है वो भी टेस्टेशन करवानी पड़ेगी। पहले HSC से आप टेस्टेशन कराओगे, उसके बाद आप मुफा से टेस्टेशन कराओगे, और इंटर और मैट्रिक की डिग्रीज भी मैंने आपको बता दिया है, आप रेलिवेंट बोर्ड IBCC और मुफा से टेस्टेशन कराओगे। तो ये थी वीडियो आज की हमारी रोमानिया के ऊपर। अब वो स्टूडेंट जो कि इंटरेस्टेड हैं और काफ़ी लोग कहते थे भैया हमें कम बजट कंट्रीज बताएं जहाँ पे हमारे कम जो है ना एक्सपेंस आए और हमारा एडमिशन हो जाए, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम वीडियोज लाएंगे लो बजट कंट्रीज। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो होगी ऑस्ट्रिया के ऊपर। तो जो भी क्लाइंट इंटरेस्टेड है रोमानिया में अपना एडमिशन करवाने के लिए, नीचे नंबर आ रहा है, आप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके हमारे थ्रू जो है ना अपना प्रोसेस करवा सकते हो। अल्लाह हाफिज़।